ये हमने गलती नहीं करनी है, पूरे साल की मेहनत होती है बच्चों, और छोटी सी मिस्टेक की वजह सारा पेपर खराब कर रहा था। तो पेपर आता है तेजी तेजी से लिखना शुरू कर देते हैं, आता भी है लेकिन आराम से लिखो, थोड़ा साफ पता तो लगा। तो उसने सारा कैसे कर लिया उसी टाइम में? अगर उसने सारा किया आपने आपसे नहीं हुआ तो क्या वजह होगी? वजह ये थी आपको टाइम मैनेज नहीं करना आया। बंदा पूछे कि नौ के नौ नहीं लिखने हैं, छह लिखने हैं। अब छह जो अच्छी तरह आते हैं वो लिखो, अगर एक्स्ट्रा लिखना है आपने डाउट है जगह छोड़ दो, क्योंकि पहले अपना पेपर तो पूरा कंप्लीट करो। आपके लॉन्ग पढ़े हुए हैं तीन, बाकी शॉर्ट पढ़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बदर सुल्तान। आज मैं आपको ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो बच्चे बहुत ज्यादा एग्जाम में करते हैं। स्टूडेंट्स ये गलतियां बार बार रिपीटेडली करते हैं जिसकी वजह से उनके काफी ज्यादा नंबर कट जाते हैं। कुछ मेजर मिस्टेक्स करते हैं और कुछ माइनर मिस्टेक्स करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ माइनर मिस्टेक्स की बात करता हूँ। अब ज्यादातर रोल नंबर स्लिप पे भी लिखा होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आधा घंटा पहले एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचना है, लेकिन होता क्या है कि बच्चे पूरे टाइम पे पहुंचते हैं। अब रिसेंटली सेकेंड ईयर के पेपर भी हो चुके हैं और दसवीं के पेपर भी हो चुके हैं। अब दसवीं का एक बच्चा स्टूडेंट मेरा देख गया पेपर, तो वो पूरे टाइम पे गया लेकिन आधा घंटा पहले नहीं गया, जाना चाहिए था आधा घंटा पहले जाना चाहिए था। अब पूरे टाइम पे गया, जब उसने देखा बाहर रूम के बाहर लिस्ट लगी होती है, आपको पता है उसमें सारे बच्चों का रोल नंबर लिखे होते हैं। अब उसका रोल नंबर किसी रूम के बाहर भी लिखा ही नहीं हुआ लिस्ट पे। अब वो जो मैनेज कर रहे थे उनके पास गया कि सर मेरा रोल नंबर नहीं लिखा हुआ। उन्होंने चेक किया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह में, तो जब चेक किया तो उसे 15 से 20 मिनट टाइम उसका ज़ाया हो गया। फिर बाद में 15 से 20 मिनट बाद पता लगा कि मेरी जगह किस रूम में उधर गया था, उधर पेपर शुरू किया। अब अगर वो आधा घंटा पहले चला जाता तो ये उसके जो 15 से 20 मिनट पेपर के ज़ाया हुए वो ज़ाया ना होते। तो हमने ये ध्यान रखना कि एग्जामिनेशन सेंटर में आधा घंटा पहले जाना है। तो आप कई बार ये होता, ज्यादातर इश्यूज में नहीं होता केसेस में, लेकिन कई बार हो जाता कि आपका रोल नंबर नहीं लिखा हुआ, तो फिर आप उनसे कंसल्ट करोगे सर मैं रोल नंबर नहीं लिखा हुआ। तो इससे बचने के लिए आप आधा घंटा पहले जाओ। जब थोड़ा देर आप पहले चले जाओगे कमरे में रूम में बैठ जाओगे, आपकी थोड़ी नर्वसनेस भी कम हो जाएगी और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आप में आ जाएगा। अब आगे बात करते हैं मेजर मिस्टेक्स के बारे में जो बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं। अरे सबसे पहले जो सबसे ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं, अब सबसे पहले बात करते हैं बबल चीट ऑफ रोल नंबर एमसीक्यूज एंड पेपर कोड। आपको पता है रोल नंबर जो लिखते हैं उसके नीचे बबल चीट होती है, वो हम फिल करते हैं। जो रोल नंबर लिखा उसके नीचे वो बबल चीट फिल करते हैं। अब होता क्या, बच्चे इतनी तेजी से पेपर करते हैं, कई बच्चे तो अपना रोल नंबर की बबल चीट ही गलत फिल कर रहते हैं और कई बच्चे रोल नंबर ही गलत फिल कर रहते हैं। मेरा एक दोस्त था नाइन्थ का, तो वो पेपर दे के आया जब, तो जब दे के पेपर वो सही करके आया था, नॉर्मल सा लड़का था, करके आ गया। लेकिन उसने कहा कि मैंने रोल नंबर में मुझे डाउट है मैंने सही लिखा कि नहीं। अब जब रिजल्ट आया तो उसके नंबर जीरो आए थे, क्योंकि वो रोल नंबर नहीं लिख के आया था। अगर लिख के भी आया था गलत बबल शीट फिल कर रहा था रोल नंबर की। तो ये हमने गलती नहीं करनी है, पूरे साल की मेहनत होती है बच्चों, और छोटी सी मिस्टेक की वजह सारा पेपर खराब कर रहे थे। अगर हमने पेपर सारा किया है लेकिन बबल शीट ही हमने गलत फिल कर दी है, तो एग्जामिनर को कैसे पता लगेगा किस बच्चे का, तो आपका रिकॉर्ड कैसे रहेगा उनके पास? क्योंकि उधर आपने नहीं जाना, आपकी शीट नहीं जाना, आपका रोल नंबर से पता लगेगा कौन सा बच्चा है और आपकी राइटिंग से पता लगेगा कितनी अच्छी राइटिंग है। आपने बबल शीट गलत फिल नहीं करनी, पहली बात बबल शीट रोल नंबर की बिल्कुल गलत नहीं करनी। उसके बाद चलते हैं एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज में बहुत बच्चे करते हैं, अब एमसीक्यूज पहले आ जाते हैं, अब एमसीक्यूज करना शुरू कर देते हैं बच्चे, पहले सारे टिक लगा के एमसीक्यू शीट पे, फिर डायरेक्ट सारे बबल शीट फिल करना शुरू कर देते हैं। अब मिसाल के एक बच्चे ने दूसरा मिस किया, नहीं किया एमसीक्यूज, तो लेकिन बबल शीट में वो सीधे से चलता रहता है। तीसरे का जो एमसीक्यू जिसने यहाँ पे टिक लगाया वो दूसरे में फिल कर देगा, चौथे का उसमें कर देगा, सोन करता करता सारे सीरीज में कर देगा। हालांकि उसने अपनी तरफ से कहा कि मैंने सही लिखा, लेकिन उसने गलत लिखा है। अब एक एमसीक्यू उसने मिस किया था, उसको छोड़ के उसने सारी सीरीज ऐसी कर दी, अब उसके सारे एमसीक्यूज गलत हो जाएंगे। तो ये आपने ध्यान से रखना है, 17 या 15 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं, वेरी करते हैं पेपर टू पेपर। तो ये आपने आपको आता भी हुआ फिर भी आप गलत करो, ये चीज़ नहीं करनी है आपने। तीसरे नंबर बात करते हैं पेपर कोड की। अब जब आपके पास एमसीक्यूज की शीट आती है उस पे लिखा होता है पेपर कोड, तो पेपर कोड जो है ना वो आपने साथ ही लिख लेना है। कई बच्चे ये होते हैं एमसीक्यू आया आपके पास क्वेश्चन पेपर, आपने शुरू कर दिया एमसीक्यू टिक लगाने, अब बाद में टाइम पूरा हो गया, वो टाइम का पता नहीं लगा, वो एग्जामिनर ले गया आपसे एमसीक्यूज। अब पेपर कोड लिखना था, क्योंकि हर एमसीक्यूज का पेपर कोड अलहदा होता है। अब आपका चला भी जाए पेपर, हमने सही भी किए हों एमसीक्यूज, अब जो चेक करने वाला उसे कैसे पता लगेगा इसका पेपर कोड कौन सा है? फिर भी आपके गलत होने के चांसेस हैं। सबसे पहले हमने पेपर कोड का जो 4 डिजिट होते हैं अपने शीट पे लिख लेने हैं, फिर आपने एमसीक्यू सोल्व करने हैं। ये गलती अपने बबल शीट वाली रोल नंबर में, एमसीक्यूज में, पेपर कोड में ये गलती नहीं करनी है।
दूसरे नंबर पर बात करते हैं पेपर प्रेजेंटेशन पे। अच्छा ये टॉपिक, इस पे तो मैं एक वीडियो पूरी बना चुका हूँ। इस टॉपिक को लाजमी अपने माइंड में रखना आपने, और आपने पेपर के लाजमी प्रेजेंटेशन करनी है। आपके पूरे साल की मेहनत है। अगर आप पेपर अच्छा थोड़ा सा कर रहे हो, आपकी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं भी है, लेकिन अगर आपने साफ साफ भी लिखा ना, फिर भी आपके 5 से 10 नंबर ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन जब बच्चे को मैं देखता हूँ पेपर आता है, तेज़ी तेज़ी से लिखना शुरू कर देते हैं। आता भी है लेकिन आराम से लिखो, थोड़ा साफ पता तो लगेगा अगले बंदे को। अगर एक बच्चे ने फुल ही गंदा पेपर किया, एक बंदे ने वही पेपर थोड़ा साफ करके किया है, जिसने साफ लिखा उसके 5 से 10 नंबर ज़्यादा आएंगे उससे। इसमें ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगा, तो वीडियो को पूरा देख लेना। बहुत ज़्यादा मैंने उसमें डिटेल में बताया हुआ पेपर प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तीसरे नंबर पर बात करते हैं नो टाइम मैनेजमेंट। ये मैंने बहुत ज़्यादा देखा, क्योंकि 12वीं के पेपर भी हुए हैं, 10वीं के पेपर भी हुए हैं, और जहाँ से स्टूडेंट पढ़ के गए हैं, उन सारे स्टूडेंट का ये जब आए पेपर दे के, तो मैंने उनसे पूछा कि पेपर कैसा हुआ केमिस्ट्री का फिजिक्स का। सर पेपर बहुत लेंथी था। अच्छा लेंथी था पेपर, हो गया पूरा? सर एक दो लॉन्ग छूट गए। आते थे? सर आते थे लेकिन टाइम कम था, नहीं हुए। अच्छा कोई एक और लड़का है आपकी क्लास का, वो लाइक है थोड़ा सा, उसने कैसे पेपर किया? उसने सारा किया? जी सर उसने सारा किया। तो उसने सारा कैसे कर लिया उसी टाइम में? अगर उसने सारा किया आपने, आपसे नहीं हुआ, तो क्या वजह होगी? वजह ये थी आपको टाइम मैनेज नहीं करना आया। ज़्यादातर बच्चों से 9th के पेपर भी आगे आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर के भी हो रहे हैं। अब इस पे लाजमी रखना है कि टाइम लाजमी मैनेज करना है। इसके मैं आपको स्ट्रेटजी एक बता देता हूँ। अब जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, जैसे मेरा पेपर मिसाल है कि 3 घंटे का पेपर है, ठीक है, तो मैं इसे डिवाइड करता था पार्ट में। अब फर्ज करो MCQs आए 17 MCQs, जितने भी हैं 20 MCQs, आधे घंटे में MCQs करने हैं, आराम से कर लिए। अब आगे शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में, शॉर्ट क्वेश्चन के पार्ट होते हैं, दूसरा पार्ट, फिर तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, ये शॉर्ट क्वेश्चन के पार्ट आते हैं। मैं एक पार्ट आधे घंटे में करता था, अगर दूसरा पार्ट मैंने किया वो आधे घंटे में किया, तीसरा पार्ट वो भी मैंने आधे घंटे में किया, अब चौथा पार्ट आ गया वो भी मैंने आधे घंटे में किया। अब 1.5 घंटा ये और आधा घंटा MCQs का कितना बन गया? 1.5 घंटा, बल्कि 2 घंटे बन गए। 1.5 घंटा ये और आधा घंटा, वो 2 घंटे। अब 1 घंटा पीछे रह गया। अब बारी आएगी लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चन 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 3 करने होते हैं, और 3 के भी आगे 2 पार्ट्स होते हैं। अब मैं हर पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन का कोशिश करता था 10 मिनट से ज़्यादा नहीं देना, 10 मिनट देने हैं। 10 मिनट में आप हर पार्ट करो, टोटल 6 पार्ट है, तो 1 घंटे में पूरे पार्ट हो जाते हैं। तो अब 3 घंटे में आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो रहा है, जितना मर्जी टफ आ जाए। उसमें भी मैं कोशिश करता था एंड से 5-10 मिनट बचा लूँ, ताकि रिवाइज कर सकूँ, ठीक है। तो अपने टाइम मैनेजमेंट की जो मर्जी स्ट्रेटजी लगा लो, ये लगा लो या अपने से बना लो, लेकिन टाइम अपने माइंड में रख के जाना कि मैंने टाइम के हिसाब से पेपर करना है। अब कुछ बच्चे ये होते हैं, जैसे पेपर आ रहा है क्वेश्चन है भाई 9 में से 6 क्वेश्चन करने हैं शॉर्ट, अब बच्चे कहते हैं मुझे सर 9 के 9 आते हैं, 9 के 9 लिखा आता है। बंदा पूछे कि 9 के 9 नहीं लिखने हैं, 6 लिखने हैं। अब 6 जो अच्छी तरह आते हैं वो लिखो, अगर एक्स्ट्रा लिखना है अपने डाउट है जगह छोड़ दो, क्योंकि पहले अपना पेपर तो पूरा कंप्लीट करो। आपके लॉन्ग पड़े हुए हैं 3, बाकी शॉर्ट पड़े हुए हैं, तो अगर आप वो करना शुरू कर दोगे जो लॉन्ग वाला टाइम है शॉर्ट को दे रहे हो, तो ये मिस्टेक नहीं करनी। आपने पहले पूरा पूरा पेपर करके एंड पे रिवीजन भी करनी है और एक्स्ट्राज भी एंड पे करने हैं, पहले आराम से पूरा पेपर कंप्लीट करो। ये गलती नहीं करनी टाइम मैनेज वाली। चौथे नंबर बात करते हैं, अच्छा टाइम मैनेजमेंट, अपने घर ही वगैरह भी साथ ले जाना, तो उससे भी आप कहीं एग्जामिनेशन सेंटर में सामने वॉच नहीं लगी होती, क्लॉक नहीं लगा हुआ, तो आप क्या करेंगे? बार बार पीछे मुड़ के देखेंगे, आप कहीं दूर लगी हो नज़र नहीं आ रहा, बार बार जो इन्विजिलेटर है उससे पूछोगे? इस तरह नहीं करना है। अब अपने साथ घड़ी लेके आओ, आराम से टाइम देखो, अपने सामने रख लो, कोई रोकेगा नहीं आपको, ठीक है। आराम से टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से पेपर करके आओ। चौथे नंबर पर बात करते हैं रिवाइज पेपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर लेकिन ज़्यादातर बच्चे 100 में से सिर्फ 10% या 5% ये करते हैं, बाकी नहीं करते, और जो करते हैं वो टॉपर्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना, पहले मैं भी नहीं करता था, लेकिन एक बार बोर्ड के पेपर में ही फिजिक्स का पेपर था, तो मैंने वो सारा कर लिया। अब करके मैं देने लगा था, वो 5-10 मिनट पड़े थे, मैंने कहा दे देता हूँ पेपर, लेकिन मैंने कहा क्यों ना रिवाइज कर लूँ। मैंने रिवाइज पीछे से किया, अब हैरान हो जाएंगे, मेरा ख्याल से न्यूमेरिकल मेरा पूरा गलत था, उसका आंसर ही गलत लिखा हुआ था, यूनिट भी साथ कुछ और लिखा हुआ था। मैंने जब पढ़ा तो कैलकुलेशन दोबारा की आंसर कुछ और आता था, वो मैंने आंसर सही लिखा। उसके बाद पीछे शॉर्ट क्वेश्चन थे 1-2, शॉर्ट क्वेश्चन सही किए, उनमें भी कुछ मिस्टेक्स थी, कुछ यूनिट गलत लिखे थे, कुछ वैल्यूज गलत लिखी थी, मेरे रिवीजन करने से 5 से 10 नंबर ज़्यादा आ गए। तो इसमें ये होता कि जब आप पेपर कर रहे होते ना स्पीड से, आपको नहीं आइडिया होता कि आप क्या लिख रहे हो, आप तेज़ी से लिख रहे हो, जो गलतियाँ हैं वो भी गलत मलत भी लिखी जा रहे हो,
लेकिन जब रिवाइज करते हो ना आपका रिलैक्स हो जाता है, मैडम मैंने पूरा पेपर कर लिया है, अब आप आराम से देख सकते हो मेरी कहाँ पे मिस्टेक्स हैं। अब देखो यार मेरी कहाँ पे मिस्टेक है वो सही करो। रिवाइज पेपर लाजमी करना है, अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हो रिवाइज पेपर लाजमी करो, इसमें आपकी काफ़ी मिस्टेक्स निकल सकती हैं। और रिवाइज के लिए हमने आखिर में 5 से 10 मिनट रखने हैं लाजमी। अच्छा ये पांचवा, ये आखिरी है, रिलैक्स एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेपर। अब ये क्या चीज़ है, अब पेपर आपका हो गया, रिवाइज भी कर ले, पेपर दे भी दिया, बाहर आ गए एग्जामिनेशन सेंटर से, अब दोस्त होते हैं वो मिल गए कि हाँ भाई बेटा पेपर कैसा हो गया यार, वो एमसीक्यू का क्या था यार, उसका ये था, नहीं नहीं बेटा उसका ये था, अच्छा तेरा गलत हो गया, अब शॉर्ट क्वेश्चन उसका क्या था उस न्यूमेरिकल का, यार उसका आंसर 5 न्यूटन आता है, नहीं उसका 10 न्यूटन आता है, ये भी गलत हो गया। अब आपने पेपर कर लिया है, अब ना टाइम वापस आ सकता, जैसा हो गया पेपर हो गया उसके नंबर आ जाने, अब ना पेपर दोबारा आ सकता है। आपने फ्री में डिस्कशन करके घर जाकर किताबें खोल के देख रहे यार मेरा सही हुआ क्या नहीं, अब छोड़ दो पेपर को, अब हो गया है, अब अगले पेपर की तैयारी करो। अब बच्चे इसी तरह टेंशन में पड़ जाते हैं कि यार मेरे पेपर कितने नंबर कट जाएंगे, पहली कैलकुलेशन लगा लेते हैं मेरे इतने नंबर आएंगे, तो वो इस तरह आपने करना, बाहर जाकर डिस्कशन नहीं करनी लड़कों से यार मेरा पेपर कैसे, उनका बस ठीक है जैसा भी होगा, अब अगले पेपर की तैयारी करो अगले, क्योंकि इससे ये होगा कि आप पहले अगर आपने डिस्कशन शुरू कर दी यही पेपर को दोबारा, तो एक तो आपको टेंशन बर्डन आ जाएगा माइंड भी यार मेरे इतने नंबर इसमें से कम हो जाने, और अगले पेपर की तैयारी भी नहीं सही तरह होगी। तो आपने रिलैक्स हो गया, बस हो गया पेपर जैसा हो गया, जितनी तैयारी की थी हो गया, अब अगले पेपर में तैयारी करो। अगर इसमें से 5-10 नंबर कम आएंगे वो अगले पेपर में ज़्यादा एफर्ट लगा लो, वहाँ भी 5-10 नंबर ज़्यादा ले लो। तो ये कुछ मेजर मिस्टेक्स जो ज़्यादातर बच्चे करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बनाई जाए, आपको बताया जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर और 9th में पेपर हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जाम्स आगे भी होंगे फ्यूचर में, तो उन्हें लाजमी आप शेयर करें वीडियो, ताकि उनका भी फायदा हो सके। अगर कोई और भी आपको क्वेरी हो, प्रॉब्लम हो एग्जाम से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।